Be ready. Gaurav ready? You're ready. Naina ready? Yes. Vijanda? Yes. Sound? Rolling. Camera? Action. Cut it. Gaurav, tera baap. Break everyone. डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इंद्रलोक की सभा देखने आया हूँ बेटे, तभी मैं कहूँ कि तुम्हारा घर आने को मन क्यों नहीं करता है। Come on, Dad, it's my profession, you know. Yes, it is. Very, very glamorous. Very glamorous. बेटे, ये सब ये काम ये शोहरत ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उस आदमी का सब कुछ होकर भी कुछ नहीं हो सकता जिसका घर नहीं बना होता। Not again, Dad. I will repeat it again and again, बेटे। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है और आज रात हम उसके घर डिनर पर जाने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? And that is final. No. Yes. No, Dad, no. Good. What tabassum? I just told you to concentrate. Do you understand? Sorry, ma'am. Better be sorry. And you? Kele theek dhang se pakadna seekho. Yes, ma'am. And concentrate, everybody. Let me concentrate also. शर्मों की तरह नंगे क्यों खड़े हो? ये क्या हो रहा मुझे? सुनती हो क्या? Where is my revolver? है मेरे पास। दो। साथ लेके कैसे घूमूंगी? घर पे है। साथ चलता हूँ तुम्हारे। दे देना। मेरे घर? कैसे चलोगे तुम? मैंने घर पे किसी को नहीं बताया। देखो, किसी को रिवॉल्वर के बारे में नहीं पता है। तुम जहाँ कहोगे मैं रिवॉल्वर पहुँचा दूँगी। तुम्हारे कॉम्प्लेक्स के पीछे वाडिया लेन है, खटाओ मेंशन, चौथा वाला, सुबह तक पहुंचा देना। पहुंचा दूंगी। नहीं तो दोपहर को मैं पहुंचाऊंगा। आउट। रिवॉल्वर। अब आप यहां से जा सकती हैं।
तुमने जिनको मारा वो लोग कौन थे? It's none of your business. बता दूं पुलिस को कि उन लोगों को मारने वाला इस छत के नीचे रहता है? धमकी दे रही हो मुझे? पुलिस का बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिन लोगों से हमदर्दी जता रही हो मालूम है वो कौन थे? ISI एजेंट, बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। 6 को तो मैंने मार गिराया और बाकी को मेरे साथियों ने, और आगे जितने भी आएंगे उनसे हमने पट लेंगे। हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है उन्हें। कौन हो तुम? अमन, मेंबर ऑफ एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवाद विरोधी संगठन का एक सिपाही। दुनिया में फैले हर आतंक के खिलाफ लड़ रहे हम, निर्भय निस्वार्थ। मिलिट्री, पुलिस, सियासत, इन सबको परे रख कर ये जंग लड़ रहे हैं, ताकि हमारे मकसद में कोई रुकावट ना बन सके। हमारे पास ताकत है, पैसा है, दिमाग है, हथियार है। हम अपने मुल्क को बचाएंगे, इस जुल्म को खत्म कर डालेंगे, ताकि इंसानियत का जीना मुश्किल ना हो। भाई साहब, आप मुझे पहचानते हैं? हाँ हाँ मैडम, आप तो वही है ना जो मैं महीने भर के सिगरेट के पैसे देके गई थी। हाँ, आपने अमन को सिगरेट पहुँचाई ना? हाँ, हाँ, वो तो मैं सुन लिया आपने। ये अमन को हर रोज एक पैकेट सिगरेट का पहुँचाता था। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए मैडम, वहाँ कोई होता तो मैं सिगरेट देता ना उसको। What? देखिए मैडम, 3-4 दिन मैंने लड़के को वहाँ सिगरेट लेकर भेजा, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि फ्लैट कई महीनों से बंद है। अब आपका तो कोई पता ठिकाना था नहीं, तो मैं आपको पैसे कहाँ से देता, बताइए। ब्लडी लायर, वाह, ये झूठ बोल रहा है। मेरे पास एक और सबूत है, चलिए आप चलिए। अरे रुक जाओ। देखिए मैडम, हमने वॉशिंग मशीन आपके बताए हुए एड्रेस पर ही पहुँचाई थी। एक नहीं 2-3 बार हमारा आदमी वहाँ गया था, मगर पता चला वहाँ तो कोई रहता ही नहीं। ये देखिए, ये रही वॉशिंग मशीन जो कि तू पड़ी है। झूठ, झूठ कह रहे हो तुम, झूठ कह रहे हो तुम सब। कोई क्यों झूठ बोलेगा अनु? ये मैं नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि अमन है और मैं उसे प्यार करती हूँ। I love him. बस, बस, बहुत बकवास कर ली तुमने और बहुत सुन ली हमने। Enough! अमन है या नहीं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी शादी सिर्फ अर्पण से होगी और सिर्फ अर्पण से होगी। डू यू अंडरस्टैंड? निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल सब हो जाएगा ठीक। अरे भाई पंडित जी, कितना वक्त और लगेगा? बस 5 मिनट और लगेगा, तब तक आप दूल्हा दुल्हन को बुला लीजिए। ठीक है, बुला लेता हूँ। दुल्हन के जोड़े में कितनी सच रही हो तुम, चेहरा तो तमक रहा है तुम्हारा। ये खुशी अपने प्यार को पाने की है काम्या। आज मैं हमेशा के लिए अमन की होने जा रही हूँ। बधाई हो मैडम, आपकी शादी की तस्वीरें खींचने आया था, आपका रोल धुल गया, सोचा आपको तस्वीरें दे दूं। थैंक यू। ये तुम बाद में देखो, एक मिनट से तैयार हो जाओ, फेरों की तैयारी हो चुकी है। काम्या, कंगन ऐसे ही पड़े कर के रही हो, तैयार करो इसे। क्या है? अरे तुम यहाँ आओ भाई, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा हूँ। चलो सर। कहाँ? चलो, वो अमन कुछ बात करना चाहता है। अमन बात करना चाहता है? क्या बात करना चाहता है बताता हूँ, चलो तो सर। अरे क्या बात है बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? बात क्या है बेटा, बताओ तो। कल आप लोगों के फैसले के सामने मैं कुछ नहीं कह सका, क्योंकि अनुपमा वहां पर थी, वो खुश थी और आप लोग भी खुश थे,
लेकिन उसके बाद एक पल के लिए भी मैं चैन से नहीं जी सका। शादी सिर्फ एक रस्म ही नहीं है, इट्स अ कमिटमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम। और मैं अनुपमा को अपनी सच्चाई बताए बिना शादी नहीं कर सकता। तुम्हारी सच्चाई तो हम जानते हैं बेटा, तुम तो एक कलाकार हो, लेकिन तुम हमारी बेटी के लिए अमन और हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। मैं कोई कलाकार नहीं हूं, ना ही कोई फरिश्ता जिसने कोई चमत्कार किया। जो कुछ भी मैंने किया अनुपमा को बचाने के लिए किया, क्योंकि मैं अर्पित हूं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम अर्पित कैसे हो सकती हो? मेरा बेटा तो डैड, मैं किसी शूटिंग असाइनमेंट के लिए अमेरिका नहीं गया था, बल्कि यहीं अपनी चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा था।